नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के विषय में। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसी समस्या है जो जब जिसको हो जाती है वो दवा करता रहता है और करता रहता है और करता रहता है, लेकिन यह ठीक होने का नाम नहीं लेता। यह एक बहुत कॉमन समस्या है जो काफ़ी लोगों को होती है। जिसके भी यूरिन का इन्फेक्शन लगातार रहा होता है उसको यह होने की पूरी संभावना होती है और एक उम्र के पड़ाव में यह हो भी जाता है। लेकिन बीमारी है तो उसका समाधान है। हम आपको बताएंगे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर को दूर करने की, ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर होता क्या है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर साथियों, जो आपकी पेशाब की नली होती है, यानी कि जो यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब होता है जो आपकी यूरिन को पास कराता है, उसके जब वो नैरो हो जाता है, जब वह पतला हो जाता है, उसी स्थिति को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। अब जब यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाएगा, यानी जो यूरिन का आपका पैसेज है, यूरेथ्रा का जो पैसेज है वो पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो लाजमी बात है आपको समस्या होगी। इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के सिम्टम्स कई सारे होते हैं, जिसमें कि आपकी पेशाब खुल के ना होना, पेशाब बहुत ज़्यादा फैल के होना, पेशाब बूंदों में होना, पेशाब होते वक्त जलन होना और पेशाब खुल के पूरी ना होना, थोड़ी पेशाब का यूरिन का रिटेंशन हो जाना, यह सब इसके नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। इसके कारण की बात कर लेते हैं साथियों। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के तमाम कारण होते हैं और वो सारे कारण तब होते हैं जब आपका बार बार जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब की नली होती है, उसके टिश्यू की स्कैरिंग होती है। स्कैरिंग का मतलब डैमेज होता है। जब बार बार आपकी पेशाब की नली डैमेज होती है किन्हीं इन्फेक्शन से, किसी रेडिएशन से, किसी टॉक्सिन से, बार बार वो डैमेज होती है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको वापस रिपेयर करता है। इस डैमेज और रिपेयर की जो स्थिति होती है, इसी के बीच आपके यूरेथ्रा की स्कैरिंग होने लगती है, यानी टिश्यू डैमेज हुआ फिर रिपेयर हुआ, लेकिन इसी प्रोसेस में आपका यूरेथ्रा पतला होता जाता है, थिन होता जाता है, नैरो होता जाता है। यही यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है और इसके कारण साथियों, अगर आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपके कैथेटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अगर आपको रेडिएशन थेरेपी कभी हो रही है, आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, किसी भी कारण से जो आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है या तमाम टिश्यू का लॉस डैमेज हो रहा है, वह सब कारण है आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनने के। लेकिन परेशानी है तो उसका समाधान भी है। हम आपको बताएंगे इसको दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों, यह बता दें कि यह दवा आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि जो इस वीडियो में बताए गए वो आपको मैच करें। लेकिन हमने कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब किसी न किसी सिम्टम में मिल जरूर जाए, ताकि आपको भरोसा आ जाए कि होम्योपैथी आपको ठीक कर सकती है। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने की है, वह है क्लिमेटिस इरेक्टा। क्लिमेटिस इरेक्टा एक बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने की, उस स्थिति में कि जब आपकी यूरिन पास ना होती हो, एक गो में, एक बार में बहुत ही पतली सी धार आती हो, पेशाब रुक रुक के होती हो और एक बार में आपको संतुष्टि ना मिलती हो, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता हो और जिस वक्त पेशाब हो रही हो उस वक्त आपके यूरेथ्रा में बहुत पेन हो रहा हो, अगर यह स्थितियाँ आप अपने में देखते हैं तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा क्लिमेटिस इरेक्टा है। आप इसकी दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि इस दवा के सेवन से आपका जो यूरिन का बहुत पतला सा फीबल सा फ्लो है वह फुल फ्लो हो गया, बूंद बूंद करके नहीं हो रही है, पेनफुल नहीं हो रही है और आपका जो यूरेथ्रा है वो भी धीरे धीरे अपने जो प्राकृतिक पहले का रूप रहा होगा उस रूप पर आ जाएगा।
तो अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है तो क्लिमेटिस इरेक्टा आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। फिर साथियों में बड़ी कॉमन स्थिति आती है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के केस में कि आपका टिश्यू का इतना स्कॉर स्कैरिंग हो गई, आपका जो यूरेथ्रा है पेशाब की नली है जो पेशाब को बाहर ले जाती है शरीर से, उस नली में इतनी स्कैरिंग हो गई कि पस फॉर्मेशन होने लगा, डॉक्टर ने कहा आपके पस आ रहा है पेशाब में। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि आपको पस फॉर्मेशन हो रहा हो, आपको पस आओ पेशाब में, तो उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा साइलिसिया है। आप साइलिसिया 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, उस स्थिति में कि जब आपका यूरिन में पस आ रहा हो, जब आपने यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें पस आया हो, यानी आपके यूरेथ्रा में पस बन रहा हो और आपको बार बार यूटीआई हो जाता हो, तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस साइलिसिया है। साइलिसिया के मरीज को बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, बहुत ज़्यादा चिली होता है, तो अगर यह सिम्टम आप में है तो साइलिसिया इस समस्या के लिए यानी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर दवा है। फिर साथियों एक स्थिति आती है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में कि आपको पेशाब बहुत मुश्किल से हो रही है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है लेकिन तब भी पेशाब नहीं हो रही। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो तब भी आपको पेशाब बहुत कम हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है चीमाफिला अम्लिकाटा। चीमाफिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस मरीज को दे सकते हैं, आप ले सकते हैं जिस स्थिति में आपको पेशाब लगाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता हो और तब भी पेशाब खुल के ना होती हो, आपको पेशाब में तकलीफ होती हो, तो उस स्थिति में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस चीमाफिला है। इस दवा की साथियों एक और बहुत खास बात होती है, वह यह कि ये मरीज को एक स्थिति होती है उसी में यूरिन ठीक से पास होती है। मरीज को यूरिन तब पास होती है चीमाफिला अम्लिकाटा के मरीज को जब वो पैर को फैला लेता है और वह जब पूरे पैरों को फैला के और जब आगे की तरफ झुकता है तभी उसको यूरिन पास होती है। यह पेक्यूलर सिस्टम है, सिम्टम है चीमाफिला अम्लिकाटा का। अगर यह सिम्टम आप में है और आपको पेशाब लगाने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तो आप चीमाफिला का इस्तेमाल करके अपने को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है यही यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के केस में कि यूरिन का जो पैसेज है वो इतना पतला हो जाता है कि पेशाब पास ही नहीं हो रही। अगर वो वर्स कंडीशन वाला आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की स्थिति हो तो भी उसको ठीक करने की संभावना है, और वह संभावना है होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रेमोनियम के रूप में। अगर आपका यूरेथ्रल पैसेज बहुत ही पतला हो गया, वेरी नैरो हो गया है और यूरिन नहीं पास हो पा रही उसमें से, तो यूरिन को पास कराने और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को उस स्थिति में भी ठीक करने की बहुत कारगर दवा स्ट्रेमोनियम है। आप स्ट्रेमोनियम 32 बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है मरीज को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के मरीज को कि लगातार उसके पेशाब बना रहता है और जब भी वह पेशाब करने जाता है, यूरिन पास करने जाता है, उसको पेशाब में जलन होने लगती है और पेशाब खुल के नहीं हो पाती। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको पेशाब हो रही हो, उसमें जलन हो, वह खुल के ना हो पा रही हो, जिस समय भी आप पेशाब करने जाते हो आपको जलन महसूस होती हो, तो उस जलन को ठीक करने की, आपके यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को ठीक करने की, यानी आपका यूरेथ्रा का पैसेज पतला हो गया उसको अपने सामान्य स्थिति में बहाल करने की बहुत कारगर दवा है कैंथेरिस। आप कैंथेरिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपको पेशाब जाते वक्त बहुत जलन होती हो और आप पेशाब ना कर पाते हो, यानी लगातार आपके यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बना रहता हो, तो उस स्थिति में आपको कैंथेरिस ठीक कर देगी, ऐसी प्रबल संभावना है। एक स्थिति आती है साथियों कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर उन लोगों में हो जाता है जो शराब बहुत पीते हैं, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं ना उनके बैठने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना जगने का टाइम, तो उनका लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है, तो लगातार उनके यूरिन इन्फेक्शन होता है, और जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उनके जो है यह स्कैरिंग ऑफ द टिश्यू होकर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाता है। तो उस स्थिति को जो शराब पीते हैं उनको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को दूर करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में है ओपियम।
आप ओपियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके यूरिनरी स्ट्रक्चर को भी ठीक करेगी और आपको इस नशे की बुरी लत से भी बाहर निकालेगी और आपके जीवन को सुखमयी बनाएगी। आप इस दवा को एक बार ज़रूर लें अगर आपको शराब पीने की आदत है तो। फिर साथियों एक स्थिति आती है यूरिन के इस यूरिथल स्ट्रक्चर के कंप्लेंट में कि आपका जो वास्तविक कॉज होता है यूरिथल स्ट्रक्चर का कि टिश्यू की स्कैरिंग हो जाती है, यानी कि कहीं पे थोड़ी सी यूरिथ्रा में आपके ब्लॉकेज आ गई, कोई अंदर टिश्यू की ग्रोथ हो गई, उसके कारण आपके पेशाब नहीं हो रहा है। तो उस स्कैरिंग ऑफ द टिश्यू में जो फॉर्मेशन हुआ है टिश्यू का, उसको डिजॉल्व करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है थायोसिनामिनम। आप थायोसिनामिनम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको आपके डॉक्टर ने बताया हो कि आपके यूरेथ्रा में रुकावट पैदा हो रही, कहीं ना कहीं कोई टिश्यू का ग्रोथ हो रही है और उसके कारण आपको यूरिन खुल के नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप इस दवा का सेवन करेंगे थायोसिनामिनम का, तो आपका यह जो टिश्यू बीच में बना है, रुकावट पैदा कर रहा है, यह डिजॉल्व हो जाएगा और जब यह डिजॉल्व हो जाएगा तो आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में कि तमाम मरीजों को, कई मरीजों को यूरिन पास होती है और उसमें डार्क ब्राउन कलर के स्ट्रैंड्स यानी तार ऐसे निकलते हैं। तो अगर यह स्थिति आप में है और आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्रेफाइटिस है। आप ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जो ये थिन स्ट्रैंड्स आ रहे हैं इनको ख़त्म कर देगी यूरिन से, आपकी पेशाब को साफ करेगी, आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को दूर करेगी। और अगर आप में कब्जियत है, ग्रेफाइटिस का बहुत खास बात है, यह ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवा है और ग्रेफाइटिस का पेशेंट आमतौर पर फेयर फैट एंड फ्लैबी होता है, खासतौर से महिलाएँ, तो उस स्थिति के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्रेफाइटिस है। यह दवा आपके उन म्यूकस के जो स्ट्रैंड्स आ रहे हैं डार्क ब्राउन कलर के, उनको भी ख़त्म कर देगी और आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को भी ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में कि यूरिन रुक रुक के होती हो, आपको हर 10-15 मिनट पर जाना पड़ता हो, थोड़ी यूरिन हुई फिर आप 5 मिनट बाद जा रहे हैं, फिर आप 5 मिनट बाद जा रहे हैं, यूरिन रुक रुक के भी होती हो और इंटरवल भी यूरिन के 2 एपिसोड्स के बीच में हो यूरिन पास करने के। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कोनियम है। आप कोनियम मैक्यूलेटम 1 mg/hour की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। इससे आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा और जो पेशाब आपको रुक रुक के हो रही है, पूरे दिन होती रह रही है, वह स्थिति भी ठीक हो जाएगी और आप इस समस्या से बच जाएंगे। फिर साथियों एक सिम्टम आता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में कि यूरिन को पास करने में आपको वास्तव में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति है कि किसी भी प्रयास से जल्दी यूरिन पास नहीं हो रही और वास्तव में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, फिर यूरिन क्लियर हो रही है, आपका ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मैग्नीशिया म्यूर। मैग्नीशिया म्यूराटिकम 30 mg/hour में 2 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको वास्तव में बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो यूरिन पास करने में कि आप भी थक जाए। अगर वह आप उस स्थिति तक अपने को महसूस करते हैं तो आप मैग्नीशिया म्यूराटिकम लें और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को दूर करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि यूरिन पास तो हो रही है लेकिन इतनी पतली धार में हो रही है कि घंटों लग रहे हैं पास होने में, वो पास हुई जा रही है, यानी 4-6 मिनट आपको लगे जा रहे हैं यूरिन पास होने में। तो अगर बहुत पतली धार में यूरिन आपके पास हो रही है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर और मुफीद दवा है ओलियम सेंटेली। आप ओलियम सेंटेली 30 mg/hour में 2 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस कंडीशन में जब आपका यूरिन बहुत ही पतली धार में काफ़ी वक्त में पास हो पा रही हो। अगर यह सिम्टम आप में है तो ओलियम सेंटेली आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है, इसको लेकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ दवाएं थी साथियों आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप प्रयास ये करा गया है कि आपको अपने सवालों का यानी आपके सिम्टम्स का जवाब किसी न किसी दवा के रूप में मिल जाए।
लेकिन आपको बताना चाहेंगे यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में या फिर नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर पर अपनी क्वेरी को WhatsApp कर सकते हैं, जो आपके नोटिफिकेशन पैनल में उपलब्ध है फ़ोन नंबर। आपको प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका कुछ इफेक्टिव जवाब दे पाएं जो आपके काम आए। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा औरों से भी सब्सक्राइब कराने को प्रेरित कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके यूं ही आप इस चैनल पर नया से नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो बड़ा मज़ेदार है, मज़ेदार इसलिए है और बड़ा ही आपके लिए हेल्पफुल होगा कि यह वीडियो इस वक्त की, इस दौर की एक बहुत बड़ी लत पे आधारित है, जो कि घरों को बर्बाद कर रहा है, परिवारों को बर्बाद कर रहा है। पहले से ही इस दौर में जिसमें कि बहुत लोगों में नाउम्मीदी भी डेवलप हो रही है, उनको वो ख़त्म कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको बताएंगे आने वाले पर्व, जो अब पर्व आ रहा है दिवाली, इसको आप खुशहाल कैसे बनाएं। हम आपको बताएंगे जिन भी परिवारों में जुआ पत्ता खेला जाता हो और बहुत परिवार परेशान हो, उनको उस परेशानी से निकलने का उपाय, यानी कि आपका जो यह पत्ता खेलने का उपाय है, गेमलिंग का उपाय है, कार्य है, इसको बंद करने की होम्योपैथिक कारगर दवाएं। जी हाँ साथियों, होम्योपैथी बहुत कारगर विधा है, इसमें हर चीज़ की दवा है और कारगर दवा है। और ये जो सट्टा खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, क्या उसको कहते हैं, जुआ खेलते हैं, इन लोगों को इस बुराई से दूर भगाने का उपाय, जो माताएं बहनें हमारी परेशान हैं ऐसे लोगों से, वह यह दो दवाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। यह दो दवाएं देके परिवारों को बचा सकती हैं और जुआ खेलने की बुरी लत से इस दिवाली के पावन अवसर पर अपना, परिवार का और बच्चों का भला कर सकती हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, हम जब यह वीडियो शूट कर रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी जी का दिन है। मैं आपको भगवान को जो है गवाह मानते हुए आपको यह दो दवाएं बताऊंगा और उम्मीद करूंगा यह दो दवाएं जो भी हमारे परिवार जिनको यह जुए की लत से बर्बाद हो रहे हैं, वह परिवार बर्बाद होने से बच जाएं, क्योंकि जुआ ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बेच देती है। हम लोग के इतिहास से देखिए, महाभारत काल से देख लीजिए आप, महाभारत हालांकि वो भगवान कृष्ण को अवतार लेना था तो वो होनी ही थी, सब भगवान का रचा था, लेकिन अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें तो महाभारत के टाइम से जो जुए की बुरी लत है, देखिए उसने कितने बड़े युद्ध को जन्म दे दिया, जिसमें कि दो कुल ख़त्म हो गए, दो परिवार छोड़िए, दो पूरी कुल ख़त्म हो गए, वो सदी ही ख़त्म हो गई जो महाभारत के दौर की सदी थी। तो इतनी ख़राब चीज़ है गेमलिंग। जो भी हमारे भाई इस जुए को छोड़ना चाहते हैं वो इन दवाओं की मदद ले लें, जो हमारी माताएं बहनें अपने परिवार को बचाना चाहती हों वो इन दो दवाओं को अपने परिवार को दे दें। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको परिवार को बचाने की, घर को बचाने की, घर को बिकने से बचाने की, यानी कि जुए की लत ख़त्म करने की दो कारगर होम्योपैथिक दवाएं। पहली स्थिति जो आती है साथियों ये जुआ खेलने वालों में, कि खुले हाथों से पैसा लुटाते हैं, मतलब जो होता है वो लुटा देते हैं। तो अगर यह स्थिति साथियों हो रही है आपके परिवार में किसी को, या आपको, आप इससे परेशान है लेकिन आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत कारगर दवा है मर्क्यूरियस विव। आप बाज़ार जाइए, बाज़ार से 20 रुपए की मर्क्यूरियस विव 30 पावर में बनवा लाइए, लिक्विड में ले लीजिए चाहे बनवा लीजिए, मैं सलाह दूंगा कि सील पैक लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये शीशी आपको 60 रुपए की पड़ेगी।
₹60 की शीशी पड़ेगी। आप मर्कुरियस विव 30 पावर की एक शीशी ले आएँ और उसकी दो दो बूंद दिन में 4 बार, अगर मरीज जिद्दी है, अगर हमारी माताएं बहनें, अगर आप खुद ले रहे हैं नशा छुड़ाने के लिए, तो दो दो बूंद दिन में 3 बार मर्कुरियस विव 30 ले लें। अगर माताएं बहनें हमारी जिनको पानी में मिला के अपने परिवार में किसी को या बुराई सामाजिक बुराई छुड़ाने के लिए दवा देनी है, तो वहाँ सुबह शाम मर्कुरियस विव 200 पावर में ले आएँ और सुबह शाम दो दो बूंद जो है वहाँ अपने परिवार में जो भी जुएं की बुरी लत गंदा काम कर रहा हो उसको पानी में मिला के चुपचाप पिला दें। देखिए, चोरी जहाँ लाभ के लिए करी जाए वहाँ वो चोरी नहीं होती। आप किसी के भले के लिए कर रहे हैं तो दो दो बूंद उनको चुपचाप पानी में दे दें, उससे उनको टेस्ट का भी एहसास नहीं होगा कुछ मिला है, और उनकी ये जुएं की जो खाली हाथ पैसा लुटाने की लत है यह ख़त्म हो जाएगी और वह चुपचाप अपने घर बैठ के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, उनकी तालीम में, उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में अपना वक्त लगाकर परिवार और समाज दोनों को बना के समाज का और इस देश का, इस महान देश भारतवर्ष का भला करेंगे। दूसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की आती है कि नशे की ऐसी आदत है कि चोरी तक करने लगे। जो बच्चे होते हैं घर के वो चोरी करके पैसा लिए जा रहे हैं और उससे जुआ खेल रहे हैं। तो अगर यह स्थिति है कि चोरी करके जुआ खेल रहे हैं, पैसा चुरा रहे हैं, चोरी का सामान बेच रहे हैं, पैसा उससे जो आधा पौना पैसा मिल रहा है, साइकिलें चोरी कर रहे हैं, इन्वर्टर चोरी कर रहे हैं, जिन दुकानों पे काम करते हैं उसका सामान चोरी कर रहे हैं, घर में जो पैसा पा रहे हैं चोरी कर रहे हैं माँ बाप से छुपा के, और वो पैसा जाके जुए में लगा रहे हैं, तो अगर ऐसी मानसिकता का कोई व्यक्ति है और उसको जुए की लत और इस चोरी की लत छुड़ानी है, तो उसको ठीक करने की और लत छुड़ाने की बहुत कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे दें। आप देखेंगे कि जो ये चोरी की, जुआ की, सट्टाखोरी की लत है यह भी ख़त्म हो गई और आपका परिवार खुशहाल हो गया। ये साथियों दो दवाएं थी हमारी तरफ से आपके लिए, दीपावली का एक तोहफा था आपके परिवार की बेहतरी के लिए। बहुत लोग होते जो स्वयं ये गलत काम नहीं करना चाहते लेकिन दिल है कि मानता नहीं, तो ये दवाएं उनको दिल है कि मानता नहीं को ख़त्म कर देंगे, उनके दिल को काबू में लाएंगे और उनके बेहतर भविष्य को बनाएंगी। साथियों बस इतना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। दिवाली का शुभ मौका है, आज से 15 दिन बाद दिवाली है, 10 दिन बाद, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले नए से नया रोचक वीडियो आप अपने सीधे जानकारी प्राप्त करते रहें। साथियों आपका साथ देने के लिए, यह शरद पूर्णिमा की अच्छी सी शाम साथ हमारे बिताने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिवाली का पर्व शुभ हो, ऐसी डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक दिल से कामना, हृदय से कामना करता है। धन्यवाद। Thank you.